गाड़ी चोरी किया ना, मोटरसाइकिल चोरी किया ना छुटवा। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये नारे आपने कई बार सुने होंगे, जहां सुशासन के दावे दम भर किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। बिहार में अपराध और अपराधियों का बोलबाला किस कदर है, यह हाल ही में आई एक और घटना से साबित हो चुका है। जी हाँ, अररिया में मानवीय मूल्यों के गिरते हुए अमानवीय छवि वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां चोरी के आरोप में एक चोर के प्राइवेट पार्ट में मिर्च डाल दी गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक युवक को चोरी के आरोप में बंधक बना लिया और उसके हाथ बांधकर उसके साथ बेरहमी की। उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च डालकर उसके साथ अमानवीय कृत्य किया गया। इसके बाद इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने युवक को पकड़ रखा है और एक शख्स लाल मिर्च उसके प्राइवेट पार्ट में डाल रहा है, वहीं लकड़ी के छोटे टुकड़े को भी उसके प्राइवेट पार्ट में डालता है। इस दौरान कुछ लोग उसे गाली भी दे रहे हैं। ये वीडियो इतना विचलित कर देने वाला है कि हम उसे आपको दिखा भी नहीं सकते। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी अमित रंजन ने इसकी तकनीकी जांच करवाई। जांच में वीडियो सही पाया गया। एसपी अमित रंजन ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की है कि वे इस तरह के वीडियो को आगे ना फैलाएं। उन्होंने कहा कि ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वैसी किसी भी घटना की जानकारी पुलिस को दें और कानून को अपने हाथ में ना लें। एसपी ने कहा कि इस तरह के वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी अमित रंजन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उधर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। आरजेडी ने इस वीडियो को लेकर कहा है कि ये नीतीश बीजेपी का महागुंडा राज, महाजंगल राज, ये तालिबान से भी बदतर है। सीएम को होशो आवास नहीं है। प्रतिदिन बिहार में सैकड़ों मर्डर हो रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। नहीं, हमने वो देखा नहीं है अभी तक, तो उस पे चोर पकड़ा गया था उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च डाल दी गई के साथ हालत वो कहा जा रहा, वो वीडियो ध्यान में आया, वो कहा जा रहा है कि वीडियो जो है बिहार का है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिहार में पूरी तरीके से जो है राक्षस राज जो है कायम हो चुका है। जिस तरह की जो घटना की गई है, मानवीय व्यवहार जिस तरह से उस वीडियो में हम लोगों ने देखा है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पे जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। हम शुरू दिन से ही बार बार कहते रहे, नीतीश कुमार जी से बिहार चल नहीं रहा है। पूरा प्रशासन में जिस तरह से पुलिस विभाग में जिस हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, वो पूरा बिहार जानता है कि कौन लोग ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं और किस आधार पे करते हैं। तो जब तक आप जो है पावर आप पुलिस को नहीं दीजिएगा, डीजीपी के रिकमेंडेशंस को नहीं मानिएगा, तब तक जो है स्थिति जो है सुधरने वाली नहीं। जो मेहनत करने वाला अधिकारी है उसको आप जो है सेंटिंग कर देते हैं और बाकी जो है इधर उधर से जो चढ़ावा देकर के जो आता है उसको आप क्रीमी पोस्ट देते हैं। यही हकीकत है बिहार में। मुख्यमंत्री या उनके डबल इंजन की सरकार को या भाजपा के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, इनको इनसे कुछ मतलब नहीं है। इनको केवल है अपने सत्ता में बैठ के अपना मलाई खाने का।